श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर एक मुस्लिम लेखक ने उनको अपने ही तरीके से खिराज अकीदत पेश की है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर देश की पहली और एकमात्र उर्दू में PhD करने वाले डॉक्टर सैयद हसन अब्बास वह शख्स हैं जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी की वाणी के ऊपर उर्दू में PhD की। इसमें उन्होंने उर्दू शायरों की अकील अकील अकीदत तस्लीम और तहफीम विषय के ऊपर PhD की जो 5 साल में मुकम्मल हुई। डॉक्टर सैयद अब्बास कश्मीर के मेंढर में रह रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनके जीवन का मकसद यही है कि वह श्री गुरु नानक देव जी की वाणी जो पूरे विश्व को आपसी प्रेम प्यार और एक साथ जीने का संदेश देती है को फैलाओ। और इसी के चलते उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी से 5 साल में PhD पूरी की। आजाद TV न्यूज के लिए पटियाला से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। सच्चा रोज़ अदल से पहले सच्चा रोज़ अदल भी वो सच्चा है वो आज भी नानक सच्चा होगा कल भी वो। बाबा गुरु नानक साहब से उर्दू शायरों की अकीदत के मौजू पर 2019 यानी गुरु नानक साहब के 550वें प्रकाश पुरब पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले से मैंने उर्दू विभाग में PhD का काम मुकम्मल किया और डिग्री हासिल की। ये काम जो है 5 अध्यायों में बढ़ा गया है। इसमें गुरु नानक साहब की मकम्मल हालात ज़िंदगी दिगर गुरु साहिबान का जिक्र और गुरु ग्रंथ साहब का तफसीली खाका भी पेश किया गया है। इसके अलावा उन शायरों को खोजा गया है जिन्होंने अपने शायरी के ज़रिए गुरु नानक साहब को सलाम और अकीदत पेश की है। इसके अलावा गुरु नानक साहब की बानी की जो उर्दू ट्रांसलेशन तर्जमे हुए हैं इसको भी अपने थीसिस में खोज के ज़रिए शामिल किया गया है और ये काम पूरे 5 साल के बाद मुकम्मल हुआ। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग प्रोफेसर नाशर नकवी और सबका वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह साहब का है। तो मैं पूरी दुनिया को गुरु नानक साहब के इस प्रकाश पर्व के मौके पर ये पैगाम देता हूँ कि गुरु नानक साहब के पैगामात और तालीमात से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है ताकि मुल्क में जो हालात हैं इनसे निजात हासिल की जा सके ताकि इन मुश्किलात का हल भी हो सके।